हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। और आप सब जानते हो कि आज TKR वर्सेस SLZ का फाइनल मैच है और आप सब लोग एक्साइटेड रहोगे वो मैच का रिव्यू देखने के लिए, वो प्रेडिक्शन देखने के लिए, स्क्वाड एनालिसिस देखने के लिए, पिच कंडीशन कैसी रहेगी ये सारी चीज़ें जानने के लिए, कि जिसकी वजह से आप एक बेटर टीम आप लाइनअप कर सकते हो, आप अच्छी से अच्छी टीम डाल सकते हो और उसमें से ज़्यादा विन कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, हम लोग बढ़ते टीम एनालिसिस की तरफ और ग्राउंड की कंडीशन की तरफ। तो जैसे आप जानते हो कि ब्रायन लारा स्टेडियम में ये मैच होने जा रहा है, जिसमें लास्ट जो दो सेमीफिनाले खेले गए थे वही सेम स्टेडियम यहाँ पे होता है। तो कंडीशंस, अगर पिच की कंडीशंस अगर देखेंगे तो ये पिच स्पिनर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। जैसे दो मैचेस लास्ट में हुए थे वो मैच का थोड़ा सा रिव्यू हम लोग बैकग्राउंड में जाएंगे या फिर उस मैच के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दो मैच के बारे में तो क्या हुआ था वो दो मैच में, हम लोग ज़रूर आपसे ये चीज़ें शेयर करना चाहूँगा मैं। तो ध्यान रखिए कि क्या होता है, कैसे कैसे पिच की कंडीशंस होती है, किस तरीके से बैट्समैन चलते हैं और किस तरीके से उनका रेशो चेंज होता है, एवरेज चेंज होता है। तो सबसे पहला मैच हुआ था जमैका वर्सेस TKR का, जिसमें जमैका ने स्टार्ट में 107 रन किए 7 विकेट के नुकसान पे, एंड उसको चेस करते हुए TKR ने किया 111 रन। तो एक विकेट गिरा था, वो भी सुनील नरेन का विकेट गिरा था। अगर सुनील नरेन चलता तो वो ओपनिंग टीम वो पूरे रन कर लेती, बट जब स्टार्ट में जमैका ने बैटिंग की तो जो भी स्पिनर थे TKR के उन्होंने धुआं मचा दिया था, उन्होंने हंगामा कर दिया था पूरे मैच में। उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिया था ए हुसैन ने, 3 विकेट ए हुसैन को मिले। उसके बाद कैरी पेयर ने 2 विकेट लिए, फवाद अहमद को 1 विकेट मिला एंड सुनील नरेन को 1 विकेट मिला। तो ये इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्पिनर को विकेट्स मिले हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ें ध्यान में आप रख सकते हो ज़रूर। सेकेंड, हम लोग गुयाना वर्सेस SLZ का जो मैच हुआ था उसके तरफ बढ़ते, तो गुयाना ने बनाए थे 55 रन 10 विकेट्स के नुकसान पे, जो फर्स्ट बैटिंग करने आई थी और उनके विकेट गिरे थे 55 रन में 10 विकेट्स गिरे थे। उसके एग्जैक्टली अपोजिट SLZ ने फिर वो रन चेस करते हुए नॉट आउट रहा था आर कॉनवेल एंड एम दयाल, जिन्होंने आर कॉनवेल में उसमें 32 रन बनाए थे और एम दयाल ने 19 रन बनाए थे, जिसमें ऑलरेडी वो मैच में एम दयाल ने 2 विकेट भी लिए हुए थे। कुगलिन को 2 विकेट मिले थे, आर्चेस को 2 विकेट मिले थे, जहीर खान को 2 विकेट मिले थे, नबी को 1 विकेट मिला था एंड जेक लेन को भी 1 विकेट मिला था। मतलब आप अगर देखोगे इस मैच का एनालिसिस तो 55 रन में पूरा टीम आउट हुआ था और 10 विकेट गिरे थे पूरे के पूरे। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे स्पिनर चले, स्पिनर्स ने विकेट लिए। तो आपको ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप टीम क्रिएट करोगे तो आपको स्पिनर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि एक चीज़ आपके साथ प्रॉब्लम होने वाला है कि जो भी टीम है, दोनों भी टीम, जो भी प्लेइंग 11 आएगा जिसमें आपको सबको एडजस्ट करना होता है, आपको किसी एक प्लेयर को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, जो बड़ा प्लेयर हो सकता है कि आपको उसको ड्रॉप करके कोई दूसरा प्लेयर आप उसको ले सकते हो। तो ये चीज़ें आपके साथ ज़रूर होंगी, बट जो भी प्लेइंग 11 होगा उसको उसमें एनालिसिस क्या होता है, कैसे प्लेइंग 11 होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगी कि आपको प्लेयर कैसे होता है। त्रिबागो नाइट राइडर्स के जो भी मतलब TKR के जो भी प्लेयर है उसमें से आप लोगों किसको ज़्यादा करके आप प्रेफरेंस दे सकते हो, वो मैं आपको 4 या 5 6 प्लेयर आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। बैटिंग में अगर देखा जाए तो लिंडन सीमंस, ऑलराउंडर में सुनील नरेन, टी वेबस्टर, डेन ब्रावो, ये 4 प्लेयर आपके टीम में होने ही चाहिए। केरन पोलार्ड को आप ट्राई कर सकते हो, उसको छोड़ना नहीं है, बट अगर आपके क्रेडिट स्कोर आपको बचाना है तो एक टीम में आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। बैटिंग के बाद हम लोग जाते हैं बॉलिंग की तरफ। ए हुसैन, कैरी पेयर, फवाद अहमद, आप ये 3 बैट बॉलर्स हैं, इन लोगों को आप ज़रूर ट्राई करना, इन दोनों में से किसी एक को भी रख सकते हो। टी साइफर्ट आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है, अगर थर्ड नंबर पे अगर वो बैटिंग करने के लिए आता है तो वो शायद वहाँ पे आपको पॉइंट दे सकता है, विकेट कीपिंग करते हुए भी और बैटिंग करते हुए भी, बट आप ऑप्शंस रहेगा आपके पास। वही सेम चीज़ अगर हम लोग जाते हैं SLZ की तरफ तो आर कॉनवेल है, एम डयाल है, एंड्रे फ्लेचर है, रस्टन चेस एंड मोहम्मद नबी है एंड एन जादरा ने। तो इनमें से आपको कॉम्प्लिकेशंस होगा कि आप किस प्लेयर को ले, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जो आपको प्लेयर आपको उसके आपकी टीम में सेट हो सकते हैं वो ले। तो मेरा ऑप्शन रहेगा मोहम्मद नबी, उसके बाद रोशन चेस एंड अगर बैटिंग में जाएंगे तो एंड्रे फ्लेचर एंड एम दयाल, मैं इनको रखूंगा। बॉलिंग में जाऊंगा ज़्यादा करके मैं कुगलिन की तरफ, उसके लिए मुझे किसी एक प्लेयर को छोड़ना पड़ेगा, तो कुगलिन एंड जहीर खान ये 2 बॉलर्स मेरे टीम में रहने ही वाले हैं। तो गाइस देखिए, स्पिनर को ये जो पिच है स्पिनर को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। अभी अगर TKR फर्स्ट बैटिंग करता है तो 100% विनिंग चांसेस रहते हैं। अगर चेस भी करना होता है TKR को तो TKR के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 10 से 10 मैच TKR अब तक जीतता आया हुआ है। तो फिनाले में TKR का पलड़ा भारी SLZ के अपोजिट में, तो आपको एवरेज टीम रखनी है, तो अगर कॉम्बिनेशन रखना है तो 6 या 5 का आप कॉम्बिनेशन रख सकते हो। तो TKR
एंड SLZ का, इस तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।